हिमाचल में रेल विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बिलासपुर रेलवे लाइन से कांगड़ा जिले को भी जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन को हमीरपुर से होते हुए कांगड़ा से जोड़ने का प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसमें करीब 100 किलोमीटर इस रेलवे लाइन को कांगड़ा जिले के रानीताल तक लाने के लिए कांगड़ा उपमंडल के अंतर्गत आने वाली भूमि को चिन्हित कर इसका प्रारूप केंद्र को भेजा गया है। वहीं डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण डिंदल ने बताया कि भारतीय रेलवे की तरफ से मांगी गई रिपोर्ट सर्वे के उपरांत भेज दी गई है। जो प्रस्तावित है लगभग 100 किलोमीटर की रेल लाइन होगी और उसमें केंद्रीय जो उन्होंने सर्वे के लिए हमें कुछ आंकड़े हमसे मांगे थे, कुछ डेटा हमसे मांगा था, तो वो जो डेटा है वो जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभागों से एकत्रित करकर जो है क्वार्टर कंसर्न को नॉर्दर्न रेलवे को भेज दिया गया है। और इसके ऊपर फिलहाल हमारे पास कोई और अपडेट नहीं है कि उसका जो सर्वे का डेटा है या जो उन्होंने रिपोर्ट हमसे मांगी थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई जो रेलवे विभाग ने की है, थोड़े समय बाद। भारतीय रेलवे प्रशासन ने सर्वे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थी। इसमें मुख्य शहरों में यातायात व्यवस्था, किराए संबंधित जनसंख्या, कृषि भूमि, लघु और बड़े उद्योगों सहित धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों वाली 9 बिंदुओं की रिपोर्ट मांगी गई थी। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।